नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ अंगूर से बने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूँगी। एक बार आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अच्छा लगे आज की रेसिपी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आज के लाइक का गुल लगते 500। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे आधा किलो अंगूर। अंगूर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। और लिया मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी। चीनी की मात्रा यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकती है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपके अंगूर कितना खट्टा है कितना मीठा है, और चीनी आप अपने मिठास के हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगूर को मैंने पहले धो के रख लिया है। सबसे पहले हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे अंगूर, साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे चीनी। जार को हम बंद करके अच्छे से हम पीस लेंगे। अब हम ले लेंगे एक पैन और ले लेंगे हम छन्नी। अंगूर को जो हमने पीस के लिया है उसे हम छानते हुए डालेंगे, ताकि जो भी अंगूर का छिलका है वो हमारे छन्नी में ही रह जाए। एक चम्मच से हम इस तरीके से इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। तो चम्मच से हम इस तरीके से धीरे धीरे चलाते रहेंगे। तो देखिए मैंने छान लिया है, और जो भी अंगूर का छिलका है वो हमारे छन्नी में रह गया है। इसे हम अलग कर देंगे और गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। गैस का फ्लेम अब हम मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम में हम बीच बीच में चलाते हुए इसे 8 से 10 मिनट तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से हमारा गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए बीच बीच में चलाते हुए हमें इसे पकाना है। पाँच मिनट हो गया है और गाढ़ा होना शुरू हो गया। बस 4 से 5 मिनट अब हम और पकाएंगे, लेकिन अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे, और बीच बीच में चलाते हुए हम इसे और अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दो मिनट बाद अब हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहो तो स्किप कर सकते हो। और साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे आधा नींबू का रस, अच्छे से मिला लेंगे। दो मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। थोड़ा सा हम इस तरीके से उठा के प्लेट में डालेंगे, और इस तरीके से हम प्लेट को नीचे की ओर करेंगे, और आप देख सकते हो ये नीचे की ओर आ रहे हैं लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। इसका मतलब जैम हमारा परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। हमारा बहुत ही टेस्टी अंगूर का जैम बनके तैयार है। हम इसे एक निकाल लेंगे एक बाउल में। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से जैम बना के बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, बच्चे आपसे हमेशा इसको बना के रखने का जिद करेगा, इतना ज़्यादा ये टेस्टी तैयार होता है। और फूड कलर डालना यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है या आप डालना चाहो तो ही आप डाल सकते हो। और फूड कलर आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो कलर आपको या बच्चों को पसंद हो। तो जैम हमारा बन के तैयार है, हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। तो जैम हमारा तैयार है, देखिए अब हम लगा लेंगे ब्रेड में। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जैम बना के फ्रिज में रख के महीनों तक स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आप एक बार चाहे थोड़ा सा ही सही बना के ज़रूर देखिएगा। देखिए हम अच्छे से लगा लेंगे जैम ब्रेड में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक बार जैम बना के ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।